जब तक प्रशासन नहीं आएगा हम यहाँ से मिट्टी नहीं हटाएंगे। सड़क के अभाव से यहाँ जाने जा रही है, प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वर्णिमा। इस वक्त की बड़ी खबर है सुहागी थाना क्षेत्र से, जहां महिला की मौत से आक्रोशित लोगों ने चक्का जाम कर दिया है। दरअसल महिला को जहरीले कीड़े ने काटा था, लेकिन अस्पताल पहुंचने के लिए समय पर एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई, जिसके चलते महिला की मौत हो गई। एम्बुलेंस ना पहुंचने का कारण सड़क का ना होना बताया जा रहा है, जिसके चलते महिला को नहीं बचाया जा सका। मामले की जानकारी लगते ही मौके पर पुलिस बल प्रशासनिक अमले के साथ पहुंचा है, जो समझाइश दे रहा है। आपको बता दें कि आजादी के 75 वर्ष बाद भी कई ऐसे गांव हैं जहां आज भी आवागमन के साधन उपलब्ध नहीं है। एक तरफ जहां देश अमृत महोत्सव मना रहा है, वहीं सड़क, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा, रोजगार ना मिलने के चलते लोगों की जाने जा रही है। दरअसल मामला सुहागी थाना क्षेत्र के पूर्वा मणिराम गाँव का है। जब तक कोई प्रशासनिक कर्मचारी नहीं आता है, चाहते हैं कि कोई महीनों में मिट्टी हटाएंगे नहीं, यहाँ से मिट्टी को उठाएंगे। यहाँ जो है तो मिट्टी चार चार जो है जाने चली गई जो है, तो इस गांव में जो है हॉस्पिटल कोई नहीं पहुंच पाया लेकर के अपना मरीज, डिलीवरी मरीज मर गया, यहाँ सर्प काटने से मर गया, सबकी मृत्यु हो गई। यहाँ प्रशासन का कोई ध्यान नहीं। जब तक प्रशासन नहीं आएगा हम यहाँ से मिट्टी नहीं हटाएंगे, यहाँ से हटेंगे नहीं जब तक आकर के यहाँ का निरीक्षण नहीं किया जाता है। चाहे एक महीने मिट्टी रखी रह जाए, हम धरना देंगे। सड़क के अभाव से यहाँ जाने जा रही है, प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। प्रशासन आज तक यहाँ नहीं देख पाया, कयानी कितने डिलीवरी कैसे महिले मर गई, कडानी कितना सर्प के काट रहे, कडानी कितना पेट के दर्द से, यहाँ प्रशासन नहीं आ रहा है। हम ये लोग भी यहाँ के नागरिक हैं, हम लोग अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे और चाहे एक महीने बीत जाए धरना देंगे। SDM कलेक्टर के यहाँ लाश लेकर के